इस पत्थर को कोई पिघला न सका। आज तुमने उस पत्थर को कसम देकर तो कर दिया मुझको मजबूर, सुनियो बात करो।
तभी हमको अच्छा लगता है। अबे साले किस लिए आया? आया हूँ इसलिए कि तुम दोनों को हवा लात ले जाने। इसलिए लगा रहा हूँ कि ले चल रहा हूँ तुमको थाने, क्योंकि बिजली के बाबू थाने पे मुलाकात करने गए थे विक्रमों से। फिर यही हुआ कि विक्रमों ने सारी हकीकत बता दिया उन दोनों से। अच्छा। और वहीं हम खड़े खड़े सुन रहे थे। अच्छा, अच्छा। तभी हमको मजबूरन इधर आना पड़ा, तुम दोनों को गिरफ्तार करना पड़ा। अब तुम दोनों चलो था। वैसे हम घूस किसी से नहीं लेते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हमारा नाम सीपी पांडे है, उसे लोग चपराहा पांडे कहते हैं। बहुत चपराहा आदमी, घूस किसी से नहीं लेते, लेकिन कोई अगर जेब में डाल देता है मजबूरन ले लेते। चपराहा साले खोलो। खोल रहे बेटा, सही कह रहे हो। लक्ष्मी की कदर करोगे तो नहीं मान रहे हैं। आपकी बात हम समझ रहे हैं। रमुआ शांतियास गए थे मिलने, विक्रम ने सारी सच्चाई बता दी। वैसे हम ही सच्चाई कबूल कर रहे हैं, बात सत्य सत्य है। सत्य मालूम कर सारे तुम कबूल करो सच्चाई को। लेकिन सर एक बात है, क्या आप यहाँ से जाइए, विक्रमों को छोड़ दीजिए। अच्छा, विक्रमों को छोड़ दे और अपनी नौकरी से हाथ पैर धोके अपने घर पर बैठे हो। आप चिंता मत करें, हम पैसे से आपको आपको रुपए पैसे से तोप देंगे। चलो तुम ही हो हमको तोपने वाले, हमारे कोई है नहीं। आप हमारी बात नहीं समझे। क्या समझे, क्या समझे? हम आपको इतना पैसा दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे कि आप बोल नहीं पाए। घोषण वाले तुम हमारा मुंह बंद कर ले। साले कहीं नहीं हो, मुँह में जाल के साले इतनी गोली डालूंगा। साले भैया बात आप समझे नहीं। हम इतना पैसा दे देंगे आपको, इतना रुपया दे देंगे, इतना आप अपने सर्विस में नहीं कमा। बोलने का ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलना चाहिए। चलो ठीक है, आपके पास बता देना, हवाला तोड़ कर भाग जाए। चलो ठीक है, वो हमारी बात है, हम बता देंगे। लेकिन सुनो, कम से कम 5-5 लाख रुपए तुम दोनों को देना पड़ेगा, और हमारे लिए एक स्कॉर्पियो चाहिए। तैयार हो? तैयार। क्योंकि हम कहते साला तुम कितने राशन बिलेट करते हो, ये साला खरंजा भी नहीं लगवाता। ठीक हम जा रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे साहब को न मालूम हो। अरे जाओ साले, नहीं छोटा है साला, लेकिन काम बहुत बड़े का करता है। अच्छा, एक काम करो, चलो लगता है और लगता है। जहाँ बैठेंगे साले तुम्हारी बदनामी करते रहेंगे, और ग्राम सभा के लोग हमारे तुम्हारे खिलाफत में जुट जाएंगे। फिर समझ लो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। और इधर विक्रम को हवालात से छुड़वाया, वो सीधे जो बातें नहीं बता पाया होगा हवालात में, वो बातें पूरी बताने के लिए रमुआ शांतिया के घर जाएगा। इधर थाने पे इंस्पेक्टर तूफान सिंह पहुंचेगा और कहेगा लाओ मुजरिम को ले चले अदालत पर पेश करें। हाँ, हाँ देखिए, आशीष सरवार पट्टे, आशीष सरवार पट्टे भैया पिपलिया के निवासी है भैया, 10-10 रुपए का व्यवहार आया, कंपनी स्वागत कर रही है। उसके बाद हम लोग
पहुंचेंगे तुरंत इंस्पेक्टर के सामने यही कह देंगे कि अभी अभी हमारा आपसे छूट कर विक्रम सिंह भाग कर आया है और तुम्हारे माँ बाप का खून अपने से बड़े से अधिकारी से आदेश लेकर इंस्पेक्टर तूफान सिंह विक्रम को इनकाउंटर कर देगा हमारे रास्ते का काटा। बहुत समझाना पड़ता है इनको, क्या कहें, ये पुलिस वाले अपने बाप को नहीं होंगे साले, हमें क्या होंगे। इसीलिए जो काम करवा रहा हूँ इस कोटे दरवा के हाथों करवा रहा हूँ। अगर मान लो कि कानून का फंदा हमारे गले में आ जाए। हाँ भैया, आशीष सरवार पट्टे पिताजी की ओर से जो है बताया तो भैया इनाम है लिखा गया कलाबंडो इंटरव्यू। धन्यवाद। मान लो कानून का फंदा हमारे गले में आता है, मैं उसे निकाल कर कोटे दरवा के गले में डाल दूंगा, सरकारी गवाह बन जाऊंगा, सजा तो मिलेगी, 20-30 साल की सजा मिलेगी। भाई जान है तो जहान है, कोई बात नहीं, चल रहा। क्या बात है भैया, कहिए क्या समाचार है। समाचार ठीक है बहन, ये बताए तुम्हारा क्या प्लान है। सुनिए बताती हूँ, सुनो साथियों कौन से ये कि मेरा पैदा कर चलो तुम कोटे दर को है दिल में अल्लाह। चलिए भैया से अदालत में पेश करके जेल भेज दूंगा। जी सर। ये क्या है, हथकड़ी है सर। अरे मैंने हथकड़ी नहीं मुलजिम बनवाया था। हाँ सर, मुलजिम वो इसी हथकड़ी में पहले था। अरे जानता हूँ सारे, लेकिन क्या कहा सर, उसको हमने हवालात में डाल दिया था, ताला इतना बड़ा लगा दिया अलीगढ़ वाला। हाँ, लेकिन सर एक गलती हो गई, चूक हो गई बस। हाँ, क्या चूक हो गई। चूक ये हो गई सर कि कुंडा नहीं चढ़ाए थे, ताला लगा दिए और मुलजिम फरार हो गया। तो सर डाल के। हाँ सर, ताला लगा दिया, उसका कुंडा नहीं चढ़ाया। हाँ, ताला लगा दिया, मुलजिम भाग गए। अरे साले तू क्या ताला चिल्लाएगा, अरे हराम जादे लालाए करेंगे तेरे छोटी सी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा मुलजिम भाग गया। साले गोली मार दूंगा शादी के बच्चे, और मेरी बहन का क्या दिल, और तेरी वजह से वो भाग गया। जानबूझ के नहीं किए हैं सर, ताला तो लगाए लेकिन गुंडा चढ़ाने भूल गए थे। तो याद रखो, अगर आज हमारे पकड़ में नहीं आया तो साले हम इसी ओवर हालिम करेंगे तुम्हारी नस नस तोड़ देंगे। सर वो कहाँ तक भाग के जाएगा, हम लोग चापा चापा छान मारेंगे। वो जाएगा तो सीतापुर जरूर जाएगा, और हो सकता है कि प्रधान के ऊपर अटैक भी करे, इससे पहले भी कर चुका है। उसे हम किसी भी तरह से गिरफ्तार करेंगे।
सरदार की लापरवाही से मैं जेल से तो निकल गया, लेकिन मेरे पीछे पुलिस न सकती है, इसलिए सबसे पहले चलूंगा रामू काका शांति का किस मिलूंगा, उसके बाद तुरंत वापस निकल जाऊंगा। मालूम हो गया कि तू दरिंदा है, राक्षस है, अब तुझे मैं कानून के हवाले नहीं सीधे मौत के हवाले करूंगा। हेलो सर, देखे हेलो इनकम चेक किया जाएगा। हेलो, हाय, देखिए आशीष शर्मा और पट्टे पिपरिया सीन पर खुश होकर के 10 रुपए पुरस्कार देते हैं, और उनका कहना है कि प्रधान को जितना मार सको मारो। छिपता है दुनिया के सारे रास्ते उसके लिए मैं बंद कर दूंगा। ये बताओ सच्चाई, तुम दोनों बताओ कि खून किसने किया? पोखरी वाले गोली मारे सही बता पैसा दूना हो गया। अच्छा ठीक है, मिलेगा कहेंगे उतना, लेकिन तुम्हारे गाँव की बात है, लास्ट में चलो सिंह। अरे तुम्हारे कहने पर हमने क्या क्या नहीं किया,
मैंने सारे जुर्म अपने सर पे ले लिए, इसलिए कि बिजली के माँ बाप बच्चा है और तुमने उनको भी मार दिया। शुक्र है कोटेदार कि पुलिस की गिरफ्त से बच जाऊं, तुम्हें तो साले ऐसी मौत मारूंगा कि मौत ही पनाह। हम यही सोच रहे हैं साला किधर गया, साला किधर वो बिहड़ों की तरफ भगा है। सर एक जगह हमको शंका हो रही है, वहाँ साला मिल सकता है। कहाँ मिलेगा? पहली पहाड़ी चौक। साले पहली पहाड़ी नहीं पीली पहाड़ी है। पीली पहाड़ी जाए चाहे काली पहाड़ी जाए, उसे मैं छिपने का मौका नहीं दूंगा, समझे? हमारे साथ कमाही वैसे वास्तव में बहुत बढ़िया है, इतनी कमाही तो नौकरी में कभी नहीं मिलेगी, देखे कितना मिला। अब बताओ जो कुछ हमने जेब में रखा था ये सारा पर्दनों पोचे दरों दोनों साले खाए। अरे तो घबराओ नहीं बेटा, साले मत पिलू साले, सारे तुमको ऐसे साले गोली खिलाएंगे कि तुम सारे जिंदगी भर चूसते रह जाओगे। सरदार जी आइए, चलिए। अनंत सिंह हाँ, वो तो है कोई लड़का भागता हुआ जा रहा है।